आज का हमारा टॉपिक है चैन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन की क्या चैन होती है, जिस तरीके से वो एक ह्यूमन में या फिर एक होस्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसकी एक चैन को जानेंगे। तो एक ससेप्टेबल होस्ट और प्रेजेंस ऑफ पैथोजन अलॉन डजंट मीन दैट इन्फेक्शन प्रोसेस विल अकर, देयर मस्ट बी इंट्रैक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, यानी कि एक इंट्रैक्टिव प्रोसेस हो सकती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी और या फिर जो भी पर्सन है जिसको इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक प्रोसेस हो सकती है। ये एक दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं चैन ऑफ इन्फेक्शन। तो हम पहले जान लेते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है। इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि फर्स्ट इन्फेक्शियस एजेंट है वो हम जानेंगे, यानी कि ऐसा एजेंट जो कि क्या कर सकता है, डिसीज कॉज कर सकता है, उसके अंदर एक अच्छी पैथोजेनिसिटी है डिसीज कॉज करने की, साथ ही साथ वो एंटर कर सकता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर एक अच्छी इन्वेसिवनेस की पावर है, एबिलिटी है, साथ ही साथ उसके अंदर वायरलेंस की पावर है, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ करने की पावर है। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो एंटर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सेकंड हम देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है, कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है भी या नहीं। देन फिर वो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज कॉज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जब ये तीनों की तीनों एबिलिटी एक इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर पाई जाती है, तब हम जानते हैं कि वो डिसीज कॉज कर सकता है। सेकंड हम देखते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर एक वो जगह होती है जहाँ पर क्या करता है, जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो क्या करते हैं, अपना ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस जगह पर। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनिमल ह्यूमन बींग एंड एनिमल, ये एक एग्जाम्पल है कि रिजर्वॉयर क्या हो सकता है, एक ह्यूमन बींग भी हो सकता है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई और ग्रोथ कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। सेकंड एक वाटर रिजर्वॉयर हो सकता है, यानी कि वाटर जो भी यहाँ पे भरा हुआ पानी है, एक काफ़ी टाइम से रुका हुआ पानी है, वहाँ पर क्या बैक्टीरिया को रिजर्वॉयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एनिमल हो सकता है कोई भी, तो इस तरीके के रिजर्वॉयर हो सकते हैं जहाँ पर क्या कर सकता है, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई कर सकता है। थर्ड हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एक्सिट। पोर्टल ऑफ एक्सिट यानी कि वहाँ से बाहर आने का रास्ता, रिजर्वॉयर से बाहर आने का रास्ता। तो यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वॉयर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो जब रिजर्वॉयर से लीव मतलब बाहर निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। अब वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, अगर एक ह्यूमन बींग है और उसके अंदर वो एक रिजर्वॉयर की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो मे बी पॉसिबल कि जब वो स्नीज करे या छींके तो उसकी नोज के थ्रू या फिर उसके माउथ के थ्रू वो बाहर आ जाए, उसके हैंड पे लग जाए या फिर उसके किसी अदर ऑब्जेक्ट पे लग जाए या किसी और पर्सन के ऊपर लग जाए, तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, पोर्टल ऑफ एक्सिट्स। के बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि किस तरीके से वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये जानेंगे। तो मेथड ऑफ ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब यही है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे क्या करता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकता है दूसरे पर्सन में। तो देखा जाता है कि बहुत जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड होती हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट में आ चुके होते हैं चीज़ों के। तो ऐसी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में क्या होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं और उनके जो हैंड्स होते हैं या फिर उनके क्लॉथ्स होते हैं तो उस पर क्या होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो पॉसिबल कि किसी अदर पर्सन के जाके वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही था कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है ना कैरी कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन कैरी कर रहा है और जो और वो इस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब वो ट्रांसमिट हो चुके हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो कैसे दूसरे पर्सन के अंदर एंटर कर पाते हैं, तो उसमें वो हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर। पोर्टल ऑफ एंट्री में देखते हैं कोई भी ओपनिंग, चाहे वो माउथ हो, नोज हो या फिर आपकी कोई अदर पार्ट हो ओपनिंग का, एन ओपनिंग विच अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द होस्ट बॉडी, यानी होस्ट बॉडी यानी किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग जिसके अंदर वो एंटर कर पा रहे हैं किसी ओपनिंग के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। जब वो एंटर कर जाते हैं, मान लीजिए वो किसी आपके हैंड्स खुद के हैंड्स के थ्रू हो गए हों या फिर आपके हैंड्स में लगे हों, आपने एकदम से स्नीच किया, कुछ भी किया, आपने अपना हाथ जो था वो मुँह पर लगाया, देन पॉसिबली कि वो आपके मुँह में चले जाएँ और आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाएँ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट यानी होता है यानी वो पर्सन जिसके अंदर वो एंटर कर चुके हैं और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और उस पर्सन को डिसीज कॉज कर रहे हैं, ये आ जाता है अ पर्सन हु कैन नॉट रेजिस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनवेडिंग एंट्री इन द बॉडी, यानी कि वो पर्सन या वो होस्ट जो कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं रोक पाया और वो उनके अंदर जाके मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, और उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैन ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉ किया गया है, दैट्स वाज़ द चैन ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट वन क्या था, इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि वो एजेंट जो कि क्या कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है डिसीज को कॉज करने की, एक पर्सन के अंदर एंटर करने की, देन एक पर्सन के अंदर मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ करने की और साथ ही साथ उसको डिसीज कॉज करने की। तो फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शियस एजेंट।
जो कि क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज करेगा आगे चल के। देन वो रिजर्वायर देखता है, रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पर वो अपना ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग एक रिजर्वायर की तरह यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एनिमल हो। देन हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एक्सिट, पोर्टल ऑफ एक्सिट होता है यानी कि रिजर्वायर से बाहर आने का रास्ता, उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एक्सिट। तो वो कैसे बाहर आ सकता है, अगर मान लीजिए कोई रिजर्वायर ह्यूमन बींग था, ह्यूमन बींग को वो रिजर्वायर की तरह यूज़ कर रहे थे, स्नीजिंग या फिर कफिंग के थ्रू वो बाहर आ चुके हैं। अब वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यू नो अब चैन आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। तो अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा, वो मान लीजिए किसी के हाथ पर लग गया, फिर आपने या आपके हाथ में लग गया, आपने स्नीजिंग किया एंड उसके बाद आपने किसी के साथ हैंडशेक किया, देन वो दूसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसफर हो गए। एंड देन ये हो सकता है कि वो किसी और के साथ यू नो कनेक्ट करे या फिर कॉन्टैक्ट करे, तो उसको भी वो हो सकता है वो पास कर दे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं और एक कैरी कर पा रहे हैं, मतलब एक पर्सन उनको कैरी कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है। देन हम देखते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री वो जगह होती है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर पा रहे हैं बॉडी के अंदर। देन एंट्री जो भी ओपनिंग होगी, माउथ नोज, यही हमारी ओपनिंग होती है, तो उनके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। देन ससेप्टेबल होस्ट यानी कि वो पर्सन जिसको वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था चैन ऑफ इन्फेक्शन, के अंदर हमने सारे के सारे इसकी चैन को जाना कि इसके अंदर कैसे इन्फेक्शन एजेंट आता है, रिजर्वॉयर आता है, पोर्टल ऑफ एक्सिट, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, देन उसके बाद पोर्टल ऑफ एंटी एंड ससेप्टेबल होस्ट, एंड देन इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।